ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। हिंदू धर्म मा माता अन्नपूर्णा का भोजन और पोषण के देवी के तौर पर माना जाते हैं। इनके पूजा की जाती कई एक बेर अपना बुजुर्गन के मुंह से यह सुने हो कि थाली मा जूठा ना छोड़े चाहिए, जैसे अन्नपूर्णा मां नाराज हो जाती हैं। तो खबर मां हम अपना का बताओ कि भोजन से जुड़े ऐसा कौन नियम हैं जिनकर पालन करे चाहिए और जिनकर पालन ना करे से हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और एक कारण व्यक्ति जो है दाने दाने तक का मोहताज तक हो सकता है। तो दिल्ली क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम कही थे शुरू करे थे। जरूरी जानकारी से बता दें कि अक्सर ये सुनने का मिलत है कि थाली माँ जूठा न छोड़े चाहिए, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी और अन्य के अपमान होते हैं। अपना बताई थी रिपीट। आज हम अपना कहा एक खबर में भोजन करें और भोजन परोसे के दौरान कौन नियम के पालन की जाए चाहिए हिंदू धर्म के मुताबिक व ओके बारे में बात करब। जानकारी के मुताबिक सोवे वाले स्थान जैसन पलंग आदि में बैठ के भोजन करब पर मना ही है। वास्तु के मुताबिक यह तरीका से भोजन करब शुभ नहीं माना जाए, ऐसे व्यक्ति के मन में नकारात्मकता के भाव बढ़ते है। एक साथ ही साथ व्यक्ति के ऊपर कर्ज के भार बढ़ते है और पैसा से जुड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। भोजन करे के दौरान दिशाओं के विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र में दिशा का बेहद अहम माना जाता है और यही कारण भोजन करे के दौरान दिशा के ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमेशा भोजन करे वाले व्यक्ति का अपन मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रख के भोजन का ग्रहण करे चाहिए। कबो दक्षिण तरफ अपन मुख करके भोजन न ग्रहण करी, कहे से कि यह दिशा पितरन के मानी जाती है और शास्त्रन के मुताबिक दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करे से पेट से संबंधित बीमारी व्यक्ति का हो सकती है। बात की जाए यह तो भोजन करे के कुछ नियम होंगे, भोजन परोसे के बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्र में नियम हम और ओकर नियम की अगर बात की जाए तो भोजन परोसे के दौरान थाली का कबो एक हाथ से न पकड़े के बात कही के एक ही स्थान पर दोनों हाथ से थाली पकड़ के भोजन परोसे चाहिए। कई एक लोग खाना खाए के दौरान थाली में नमक रखा था और अगर नमक बच जाते हैं तो उसका फेंके के गलती ना करी, फेंके के बजाय बता दें कि वह पानी डाल सके थे। नमक फेंकब या फिर नमक के दान करब घर में गरीबी के वजह बन सकत है, एक साथ घर के झगड़ों के वजह बन सकत है। एक साथ है बता दें कि जमीन पर थाली रख के भोजन ना करे चाहिए, खुद भोजन करे वाले व्यक्ति का जमीन पर ना बैठे चाहिए, हमेशा आसन बिछाई के बैठी और थाली का एक पट्टा पर रखी। इन नियम के अगर ध्यान न रखा जाए तो जानकारी के मुताबिक देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और एक कारण घर में नकारात्मकता आवती परिवार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते है। हालांकि धार्मिक मान्यता ही कई लोगों के द्वारा मान्यता का माना जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा अंधविश्वास कहा जाता है, पर चूंकि हिंदू धर्म मान्यता के रीति रिवाजन के परंपरा के बेहद महत्व है तो एक खबर में हम अपना का जानकारी दी है और इसने जानकारी से जुड़े रहे खातिर देखते रहिए आपकी संदेश न्यूज 24। सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल, दे इजाजत, खुदा। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004161 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौज तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग।